नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2020 का जो वर्ष रहा वह कोरोना काल में बहुत सारी समस्याओं को देकर गया, जीवन को कहीं न कहीं उलझाने का कार्य किया। क्या यह जिंदगी दोबारा खुशियों को प्राप्त करने में कामयाब हो पाएगी? क्या हम सब 2021 में कामयाब हो पाएंगे? क्या अपनी मंजिल को प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? जिस सफलता की चाह ही रह गई 2020 में, क्या वह चाह हमारी पूरी होगी भी या नहीं? इन्हीं कुछ सवालों को देखते हैं 2020 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रही और 2021 का जो वर्ष आने वाला है उसमें ग्रहों की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है। आइए देखते हैं कि 2021 के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार की रहेगी, उसके पश्चात पूरे वर्ष के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को बता दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए जिनकी जन्म कुंडली है वह जन्म कुंडली के आधार पर इस राशि फल को देखें, और जिनकी जन्म कुंडली या जन्म समय नहीं है वे लोग प्रसिद्ध नाम के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे द्वितीय भाव में, वही छठे भाव में शुक्र के साथ केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। धनु राशि में सूर्य और बुध ग्रहों का दोनों का कॉम्बिनेशन सप्तम भाव में रहेगा। मकर राशि में गुरु और शनि देव दोनों का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में रहेगा। वही मंगल ग्रह स्वगृही यानी कि मेष राशि में 11th हाउस में विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह वृषभ राशि में 12th हाउस यानी कि द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इन ग्रहों के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कितनी सारी सफलताओं को लेकर आने वाला है, अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मिथुन राशि वालों के लिए एक जरूरी जानकारी देना परम आवश्यक है कि मिथुन राशि पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। अब सबसे पहले आपको प्रारंभ करना है कि इस वर्ष में किसी भी कार्य को करते समय अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर और किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता आपको इस वर्ष में रहेगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। हेल्थ के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कोई समस्या की बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। वही धन की बात करें तो धन से जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे देते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर देने की आवश्यकता रहेगी। आंख बंद करके किसी व्यक्ति पर भरोसा करके अगर आपने पैसे दे दिए तो निश्चित मान लीजिए कि आपका वह पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। संपत्ति से जुड़ा हुआ यदि कोई विवाद पिछले काफी समय से चला आ रहा है, इस वर्ष फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, अन्यथा शत्रु आपको फंसाने का कार्य करेंगे और उसमें किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सावधान रहिए और सावधानी पूर्वक कोई भी धन से जुड़ा हुआ डिसीजन है उसको लेने की आवश्यकता रहेगी। इस बार एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, स्पेशली जो लोग किसी भी क्षेत्र के अंदर नौकरी करते हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर मौका मिल सकता है। साथ साथ में भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है। सोच समझकर किसी भी प्रकार के कार्य को अगर करते हैं और उसमें भाई बहनों की राय को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए सतर्क रहते हुए भाई बहनों से मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हुए इस वर्ष निरंतरता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव की स्थिति को देखते हैं कि भवन और वाहन, यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि मित्रों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन मित्रों से लाभ के पूर्ण संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा और उसको लेकर आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बिगड़ सकता है इस वर्ष। किसी लंबे निवेश के तरफ अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं, जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरीके के जमीन को खरीदना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सोच समझ कर निवेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है।
तो सोच समझ कर अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें जो नुकसान की संभावना है वह बहुत कम हो जाएगी, प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे। लेकिन वह कब? जब आप सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष रहेगा वह थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होगी विद्यार्थियों के लिए, तो रिजल्ट उनके अनुकूल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती है। इसलिए ध्यान रखें और मन लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। एक बात की विशेष खुशखबरी है आप सभी के लिए कि जो लोग कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एग्जाम देने वाले हैं किसी भी तरीके का फाइट करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही सुंदर मौका इस वर्ष आने वाला है। और कंपटीशन का एग्जाम देकर और उसमें बेहतर रिजल्ट पाने की जो उम्मीद लगाकर बैठे थे और कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगी और बेहतर रिजल्ट के साथ आप आगे बढ़ने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। यहाँ पे एक बात का और विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी आपको कि अगर आपने कर्ज ले लिया है और बहुत दिनों से कर्ज तले दबे हुए हैं और सोर्स ऑफ इनकम का जो दृष्टिकोण है या फिर जो सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है वह बहुत बेहतर नहीं है, आप लगातार अथक प्रयास करने के बाद भी कर्ज से उबर नहीं पा रहे हैं, तो इस वर्ष मंगल देव की असीम कृपा आप पर रहेगी और कर्ज को चुकाने में आप बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्ज भी चुकेगा और नई योजनाएं भी आपकी बन सकती है। एक बात का और भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पति पत्नी अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना होगा तो बेहतर संबंध स्थापित होंगे, नहीं तो कुछ बातों को लेकर आप दोनों के बीच अनबन की स्थिति इस वर्ष पैदा होगी जो लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में समस्याएं आ रही थी और अथक प्रयास माता पिता के करने के बाद भी विवाह का योग या फिर विवाह का शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं माता पिता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, इस वर्ष शहनाई बजने की पूरी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है और घर में खुशियों का माहौल तैयार हो सकता है। बेहतर कॉमन सेंस आपका काम करेगा और साथ ही साथ में स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगी। अगर किसी भी तरीके का हड्डी या ज्वाइंट्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा था आपको स्पेशली हेल्थ को लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात का विशेष ख्याल रखें आप कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। किसी विशेष चीज, गुप्त चीज के बारे में स्पेशली अगर कहीं पे आप किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी में पैसा आपने पहले से इन्वेस्ट किया था और वह पैसा फंस गया था, बिल्डर ने आपका पैसा नहीं दिया या फिर प्रॉपर्टी देने का जो वादा किया था घर देने का वह कहीं ना कहीं फंसा हुआ था और उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, वहां से आपका या तो पैसा मिल जाएगा या फिर आपको घर मिलने की जो संभावना है वह काफी हद तक निकल कर आ रही। भाग्य की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। जहां भाग्य को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मेरे भाग्य का क्या होगा और मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इस स्थिति से आप उभरेंगे और शनिदेव की विशेष कृपा हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय भी करना होगा आपको जो मैं अंत में आपको बताऊंगा। भाग्य भरोसे बैठना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए भाग्य के साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता आपके लिए पूर्णता रहेगी। इसलिए कर्म को करते जाइए, पूरा एफर्ट लगाइए, अंततः सफलता आपको जरूर मिलेगी। बात करते हैं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह वर्ष 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। तो नौकरी वाले लोगों के लिए जहां 2020 में कई सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से आकर निकल गई या फिर कोरोना के भेंट चढ़ गई, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा आपके कलीग्स या फिर ऑफिस में आपका जो बॉस था कहीं ना कहीं आपसे वह बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहा और कई सारे लोगों की नौकरियां छूट गई। इस दरमियान इस वर्ष एक बेहतर प्रयास आपको आपके जीवन में रंग ला सकता है, नई नौकरी इत्यादि मिल सकती है आपको, लेकिन उसके लिए बेहतर प्रयास की आवश्यकता होगी। लेकिन यह जो अपॉर्चुनिटी है या तो आपको जनवरी के महीने में मिलेगी, अगर आपका बेहतर प्रयास रहेगा तो आपको नौकरी जनवरी के महीने में मिल सकती है, अन्यथा फिर फरवरी के महीने में आपको फिर से डिले करवाएगा, उसके पश्चात मार्च के महीने में दोबारा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे आपको अच्छी नौकरी मिले। नौकरी मिल भी जाती है तो आपको बिल्कुल शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वहां
मन लगाकर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं नौकरी दोबारा छूटने की संभावनाएं भी निकल कर आएंगी। इसलिए सावधान रहे, सतर्कता के साथ आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम इस साल किस तरीके का रहने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशानी में दिखाई दे रहे थे, कहीं या तो कर्ज से दबे हुए थे या फिर फाइनेंशियली आपके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं थी जिससे कि आप काम को बेहतर तरीके से कर सकें और अपने जीवन में जो सुख शांति और समृद्धि है, एक एंजॉयफुल लाइफ जिसको कहा जा सकता है, उस तरीके से अपने जीवन को जीने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे थे। मंगल देव की विशेष कृपा आप पर बनेगी और फाइनेंशियल कंडीशन इस वर्ष आपका बहुत बेहतर रहने वाला है, यानी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से बेहतर होगा। जो लोग प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे या फिर इंक्रीमेंट को लेकर कि मैं तो मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट की भी बेहतरीन संभावनाएं यहां पर निकल कर आ रही है जिससे कि खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। एक बात की और भी खुशी आपको मनानी चाहिए, अगर आपका विदेश से किसी प्रकार का कनेक्शन है या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां चाहे नौकरी व्यवसाय किसी भी चीज के लिए, तो आपके लिए बड़ा ही सुंदर राहु के आशीर्वाद से विदेश जाने का बेहतरीन मौका मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अचानक लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट से पैसा जो लोग इसमें लगाकर और इससे पैसा कमाते हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ यदि कोई मामला है तो संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी, अगर आप संभल कर चलते हैं तो विजय निश्चित दिखाई दे रही है। मित्रों, मिथुन राशि वालों पर जो शनि की ढैया चल रही है या फिर जो भी चीजें अभी हमने बताई उनको और भी बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत सारे सुखद समाचार इस वर्ष मिलेंगे। साथ ही साथ में शनिवार के दिन शनि चालीसा या फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अगर अपने दिनचर्या में आप डालते हैं, प्रतिदिन करते हैं या फिर शनिवार या मंगलवार के दिन विशेष करके करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपके लिए यह साल खुशियों से भरा हुआ रहेगा। अब किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी इस पर ध्यान दीजिए और इस महीने को अवॉइड करिए, कोई बड़ा काम इस महीने में करने से आपको बचना चाहिए। वह महीना होगा फरवरी, मार्च और सितंबर का महीना। इन महीनों में किसी भी बड़े और नए कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा आप परेशान हैं और उस समस्या का निदान आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।